इंडिया की यंगिस्तान को जिसने दिया गहरा जख्म है। पाकिस्तान ने उस बेरहम बैटर को एशिया कप के लिए टीम में किया शामिल। इनके पास हारिस राउफ है, उनके पास शाहिन शाह अफरीदी है, मोहम्मद वसीम जूनियर और नसीम शाह रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड, बट ये अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पिनर्स इनके पास अच्छे हैं और वो ऑलराउंडर्स हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। जी, जैसे आप जो दिक्कत इंडिया अक्सर सामना जिस दिक्कत का करती है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो पाकिस्तान में देखिए उन्होंने फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनको लिया है। पता है बंदे बड़े एक्सपेक्टेड है, आप राहुल एक्सपेक्ट करोगे ना बहुत नई चीज आएंगी, पहले नहीं फहीम अशरफ है। पहले मैंने देखा ये सपना ने दो साल पहले का स्कोर दो निकाल लिया कोई सा, मैं खुद सोचा चैंपियन वेम्पियन ट्रॉफी तो निकाल के लाइए कहीं से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्लीट वीडियो आगे है, अगर आप वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप एक मिनट स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करिएगा, और एक और छोटा सा मैं आपको टास्क दूंगा कि आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपका फेवरेट बॉलर और आपका फेवरेट बैट्समैन कौन सा है। आप अपना फेवरेट प्लेयर किसी भी टीम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2 सितंबर को राहुल पहला मुकाबला है। तो सबसे पहले आप पाकिस्तान की टीम बता दीजिए जो जो खिलाड़ी चुने गए। बाबर आजम कप्तान है, बाबर आजम इस वक्त श्रीलंका में ही है, वो लंका प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, उसके अलावा बाकी खिलाड़ी। जी बिल्कुल, बाबर आजम का आपने बता ही दिया। खैर, आप देख सकते हैं इन्होंने अफगानिस्तान और एशिया कप दो स्क्वाड का ऐलान किया है। ये 18 मेंबर स्क्वाड है जिसमें से एक नाम यानी सौद शकील इसमें से कम हो जाएगा जब वो एशिया कप के लिए जाएंगे, यानी पाकिस्तान में शुरू के 4 मैचेस, उसके बाद जो बाकी के मैचेस होने हैं श्रीलंका में उसमें सौद शकील थोड़ा उधर जाइए ताकि उनके कप्तान का चेहरा भी दिखे, सौद शकील का नाम उसमें हट जाएगा। तो ओपनर्स आप देख सकते हैं, इमाम उल हक आपके एक ओपनर हो गए, इमाम उल हक, फखर जमान आपके दो ओपनर्स हो गए, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आपके तीन ओपनर्स जो है यहां पर हो गए। उसके बाद अगर आप स्पिनर्स देखें, तैयब ताहिर का नाम मैं देख रहा था, तैयब ताहिर भी लेग स्पिन कराते हैं, शादाब खान उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन उनको लिया है, और साथ ही आपके तीसरे जो स्पिनर होंगे उस्मान मीर भी हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्पिनर्स अच्छे खासे लेके जा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स आप देख सकते हैं, नसीम शाह है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रौफ भी हैं, फहीम अशरफ को वापस बुलाया गया है, 2.5 साल बाद फहीम अशरफ को बुलाया गया है, और सौद शकील का कहा गया, जो पीसीबी ने जो प्रेस नोट इशू किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सौद शकील के काफ़ी वक्त से जो लो स्कोर्स चल रहे थे दो, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। नहीं, बैलेंस टीम है और एक यंग टीम है। पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि ये लगातार तकरीबन इसी कोर के साथ चलते आए हैं। जैसे इंडिया में क्या है कि आपने कभी कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया, कभी कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया, पाकिस्तान का ये है कि वो एक सेटअप के, तकरीबन एक सेटअप के साथ अरसा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो टीम ज़बरदस्त है, चूंकि बाबर खुद इस वक्त श्रीलंका में है, प्रीमियर लीग खेल रहे हैं वहाँ पर, तो हो सकता है कि ये भी एक एडवांटेज होता है। बट पाकिस्तान की ये टीम है और इस टीम की ताकत यही है, जैसे मैंने कहा, इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं और इनके पास ऑलराउंडर्स हैं। बात आ जाती है बैटिंग पे, आप क्या वो बैटिंग कर पाएंगे, क्या ये बोर्ड पे एशिया कप जैसी टूर्नामेंट में तो अगर आप 250-300 रन बनाते हैं अच्छा स्कोर गिना जाता है, श्रीलंका में पिचेस थोड़ी स्लो हैं, सवाल सारा वहीं पे आ जाए, जो कहीं ना कहीं बताता है कि पाकिस्तान की टीम इस समय आपको ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्टेबल नजर आ रही है, जबकि इसी के जवाब में अगर हम सामने देखें टीम इंडिया, वो अभी वहां पर क्वेश्चन मार्क्स काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एक प्रोबेबल 11 अगर हम खड़ी करें पाकिस्तान की, कुछ हद तक आप कहेंगे वो काफी रेडी आपको नजर आ रही है। इमाम उल हक, फखर जमान ओपन कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर में शान मसूद की बात करें, इफ्तिकार अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आपके लिए तैयार, ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज आपके लिए वहां पर अब मौजूद हैं, और उसके बाद आपके लिए शादाब खान वाइस कैप्टन मौजूद है आपके, उसके बाद आप बात कर लें तो आपके लिए फहीम अशरफ मौजूद, और तेज गेंदबाजी में आप बात करें हारिस रौफ आपके पास, नसीम शाह आपके पास है वहां पर, और शाहीन शाह अफरीदी वहां पर है, जो कहीं ना कहीं बताते हैं पाकिस्तान के प्रोबेबल 12-13 खिलाड़ी जो फर्स्ट प्रेफरेंस में प्लेइंग 11 के अंदर जाने वाले हैं वो आपको यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं।